बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने 2 दिन पहले, गालिबन 2 या 3 दिन पहले, ये ओलिवेरा का जूस डाला था। ओलिवेरा का जूस जो है डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर के मरीज़ों के लिए एंटी ऑक्सीडेटिव उसकी क्वालिटी होती है और ये बहुत बेहतर होता है। और इसको है ना, लोगों ने मुझसे कहा कि आपने डाला और उसमें लिखा है कि डायबिटीज़ वगैरह के लिए, तो आपने तो शुगर में बनाया। मैंने कहा अच्छा, विदाउट शुगर मैं बना के बताऊंगा। और मैंने पका के बनाया था, आज मैं उसको कच्चा बनाऊंगा। ये मैं छील रहा हूँ, एक पत्ता मैं अपनी गमलों से तोड़ रहा है, मेरे पास बहुत लगे हुए, और ये बहुत इजीली लग जाता है। किसी गमले में भी आप लगाएंगे, और घर में अगर आपकी जगह नहीं है तो गैलरी वगैरह में भी रखेंगे तो ये लग जाता है। और बहुत काम का पौधा है, जिसको पाकिस्तान में अभी तक कम इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ इसके जो जूसेस बना के रोड पे जो है वो भी बिकते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रीट, जो फूड फूड स्ट्रीट के दुकानें होती हैं उनमें भी बिकते हैं, और उस पर बड़ा रश होता है। ये इसमें थोड़ा लेस होता है, इसलिए मैंने ग्लव्स वगैरह पहन लिए। और मैं आज इसको विदाउट शुगर फ्रूट के साथ बना के दिखाता हूँ आपको। चाहे अभी फ़िलहाल मैं 2 ही गिलास बनाऊँ, लेकिन फ्रूट के साथ देखिए, इस तरह निकालने से इसका जो गूदा है वो निकल जाता है। ये गूदा ट्रांसपेरेंट होता है, और इससे हलवे भी बनते हैं। आपने मिठाई की दुकान पे देखा होगा पेठे का हलवा, वो इसी चीज़ से भी बनाया जा सकता है, बनता होगा तो बनता है। अब मैं इसको जनाब आपके सामने ही इसको काट लेता हूँ, आपके सामने इसके मैं पीसेस कर लेता हूँ। मैंने जब इसको काटा तो जिस जगह से काटा वहाँ पे थोड़ी सी पीलापन आ गया काटने के बाद। ये मेरा गालिबन काटने के बाद इसका कलर थोड़ा सा, इस गूदे का ट्रांसपेरेंट है, गूदा है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैंने इसको, आप इसके पत्ते को अच्छी तरह ऊपर से छील दीजिए। हाँ, इसके पत्ते में भी बहुत काम का चीज़ होता है। और मैंने वहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाई थी, एक इस गूदे से बनाया था जू, और उससे इसकी क्यूब बना के बनाया था, और एक पत्ते पत्ते पत्तों से भी बनाया था। पत्ते ज़रा ऐसे ब्रिटल होते हैं, कड़वेपन नहीं तुरटपन होता है, और उसमें मज़ा नहीं देता। तो आप इसको बगैर पत्तों के बनाइए। ये मैंने एक प्याली में इसके गूदा निकाल दिया, इसका गूदा निकाला, इस प्याली को हम साइड में रख लेते हैं। दूसरी प्याली में डिफरेंट फ्रूट हम डाल सकते हैं। अब मैंने एक छोटा सा सेब लिया है, इसको साफ़ कर रहा हूँ, और इसकी सफाई के बाद जो है इसको मैं टुकड़े करूँगा और इसको दूसरी प्याली में रखता हूँ। और उसके बाद जनाब, और जो फ्रूट आपका दिल करे, इसमें अंगूर डाल सकते हैं, अनार डाल सकते हैं, कोई फ्रूट, इसमें वो अनानास डालिए, बहुत टेस्टी लगता है। नींबू निचोड़िए, इसको है ना चटपटा भी बना सकते हैं, चाट मसाला डाल के, और काली मिर्च डाल के भी आप कर सकते हैं, और नमक डाल सकते हैं। मगर ये जो अब मैं बना रहा हूँ इस वक्त, इसको नेचुरल शुगर जो फ्रूट में होगी वही इसके साथ मैं बना रहा हूँ, और ये नेचुरली ना, इसमें हम मीठा डालेंगे। हाँ, अलबत्ता मैं शहद साथ में रखूँगा, और जिसका दिल करेगा तो वो शहद 1 चम्मच डाले और उसको मिक्स कर ले। मगर आज शुगर नहीं डालूँगा, ना ब्राउन शुगर डालूँगा, ना ही गुड़ डालूँगा, जो कि देखने वालों की जो शिकायत है वो दूर हो जाए। मैं इसके क्यूब बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने सेब के पीसेस कर लिए, 2 गिलास मैं बना रहा हूँ। 2 गिलास के लिए एक आधा पौना पत्ता जो है उसका लिया था, ओलिवेरा का पत्ता बहुत बड़ा था, आपको पत्ते का छिलका दिखा दूँ, बहुत बड़ा था। उसमें से थोड़ा सा पीस जो है मैंने तकरीबन आधा पीस लिया, और सेब भी कर दिया। अब तीसरी प्याली में रखा हूँ, तीसरी प्याली में ये था पत्ता, ये जिसका हमने यहाँ से गूदा निकाल लिया, इतने पीस तकरीबन 6 इंच का निकाल लिया, ताकि आपको पता चल जाए कि कितनी आमजिश करनी है। तीसरी प्याली में मैंने खरबूजा, क्या बोलते हैं इसको, गर्मा सरदा बोलते हैं, वो लिया है, उसको साफ़ कर लिया, उसके बीज मैंने निकाल दिए, उसके भी हम पीसेस कर देंगे। और पीसेस करके एक प्याली में हम रखते हैं, और इस प्याली में रखने के बाद इसको हम जूसर मिक्सर के ग्राइंडर के जग में डालेंगे, और
बर्फ़ जो है वो मैं कुचल के उसको क्या बोलते हैं उसको जो ऐसी स्मूथी में इस्तेमाल होती है बर्फ़ वैसे बना लूँगा, चूरा कर लूँगा ताकि ठंडा ज़बरदस्त हो जाए जनाब। इसके भी मैंने पीसेस कर दिए और ये जनाब तैयार हो गया, गन्ना सौदा भी तैयार है, काफ़ी पीसेस कर लिए इसके, गन्ना सौदा भी तैयार है, गन्ना सौदा तैयार है, ये ओलिवेरा तैयार है और जनाब ये आलू, इससे तीन चीज़ें मैंने ली हैं इसमें। आप चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, आप चाहें अंगूर डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें खजूर भी डाल सकते हैं, खजूर का भी ये जूस है ज़बरदस्त बनता है। और मैं अपने इस प्याले को हटा दूँ, इसका काम हो गया है फिनिश, और हम अपने जग को आगे करते हैं और उसमें ये तमाम चीज़ें डाल के उसको चलाता हूँ। जब वो बन जाएगा तो अब मैं आपको स्वाद दिखाऊँगा। हम थोड़ा सा पानी, ये छोटा सा ग्लास है, थोड़ा सा पानी यानी चाय का जो कप होता है छोटा वाला उसको आधा कप पानी लेंगे, इसको मिक्स होने में आसानी हो जाएगी, पीसने में आसानी हो जाएगी। ये जनाब ओलिवेरा कप भरा, आधा कप समझो चाय का ओलिवेरा वो डाल दिया मैंने, और जनाब इसमें ये डाल दिया सेब, सेब सेब के क्यूब काट के, सेब के क्यूब भी डाल दिए, और जनाब अगर मेरे पास ज़ाफ़रान है आपका ज़ाफ़रान है थोड़ी सी ज़ाफ़रान डाल दिए, नहीं है तो कोई मसला नहीं, खुशबू के लिए ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। और ये मैंने सरदा गर्म डाल दिया इसके अंदर, और जनाब आलू ये तीनों जीरे डाल के हम इसको मिक्स करेंगे, चलाएंगे इसको पीस लेंगे और आपको फिर दिखाता हूँ मैं। लीजिए हमारा, मैंने इसको ग्राइंडर की जग में पीस लिया और ये मैं दूसरे जग में डाल दूँ, सर्विंग जग के अंदर मैंने इसको डाल दिया। और जनाब फर्स्टली ये थोड़ा सा ब्रिटल होता है, थोड़ा सा टूरस होता है सॉरी थोड़ा सा इसका मज़ा बहुत अच्छा नहीं होता, इसलिए अगर फर्स्टली आपको डायबिटीज़ नहीं है, आप शुगर के मरीज नहीं हैं और आप चाहते हैं इसको मैं मीठे के साथ थोड़ा सा मीठा कर दूँ, वैसे तो अच्छा हो गया बहुत, मैं तो अगर इस्तेमाल करना हो तो ऐसे ही बग़ैर उसके इस्तेमाल करता हूँ, तो आप रूह अफ़ज़ा का थोड़ा सा टेस्ट डाल दें उसके अंदर, आपकी मर्ज़ी है एक चम्मच दो चम्मच ज़्यादा आप डाल सकते हैं, रूह अफ़ज़ा डाल दीजिए और आप इसको मिक्स कर दीजिए इसके साथ रूह अफ़ज़ा के साथ, माशाल्लाह तबारक। फर्स्ट कर लीजिए रूह अफ़ज़ा के साथ, अभी ये ज़्यादा मीठा नहीं हुआ जितना आप चाहते हैं, तो हम इसमें पहले तो इसको मिक्स कर लूँगा, हम इसमें मज़ीद खूबसूरती के लिए डाल दूँगा चम्मच, इसके अंदर रख देता हूँ ताकि इसको टेस्ट करेंगे, और इसके अंदर थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा और बस जना ज़बरदस्त खूबसूरत पीने में अब टेस्टी हो गया, मज़ेदार मीठा वाला, और आपको दूसरा बना के दिखाऊं। ये जनाब दूसरा सादा, इसमें मैं शहद डाल सकता हूँ, ज़ाफ़रान डाल सकता हूँ और विदाउट मीठे पी सकता हूँ, खूबसूरत देखने में और ज़बरदस्त है। अब इसमें ये जो है हार्ट डिजीज़ ज़रूरी है कि आपका हार्ट डिजीज़ हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ठंडक के लिए भी इस्तेमाल होता है, जिस्म को ये ठंडा करता है, एंटी जो ऑक्साइड्स बढ़ जाते हैं उसको ये एंटी कर निकालता है, ये बहुत ज़बरदस्त है। आप भी बनाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में जो पहले वाली जो में मैंने इसकी क्वालिटीज डाली कि हार्ट डिजीज़ के लिए अच्छा है, कैंसर के लिए अच्छा है और ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है वगैरह वगैरह जो डाला है, वो इस किस्म के आर्टिकल मैं नीचे पीछे डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है अब शिकायत नहीं होगी कि ये डायबिटीज़ बगैर डायबिटीज़ वाले बगैर शुगर के, बगैर शहद के, बगैर रूह अफ़ज़ा के, और जिसको डायबिटीज़ नहीं है वो रूह अफ़ज़ा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, उम्मीद है लाइक और सब्सक्राइब अगर बनता है
तो कर दीजिएगा, सर्विस मैन करके बता दिए, और मजीद नज़दीक से आपको दिखा दूँ तो आपको ये मैं नज़दीक करके दिखा देता हूँ। ज़बरदस्त जनाब आली, खूबसूरत, देखने में खूबसूरत, सर्विंग में ज़बरदस्त है। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया, नीचे थोड़ा सा रुझ है, लाल सा बन गया, और ऊपर कलर बड़ा ज़बरदस्त है। इसी तरह दूसरा, दूसरे को देखिए, इसका झाग ऊपर आ गया। इसको काली मिर्च और चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, एक एक ज़रा ज़रा सा, इतना थोड़ा सा डाल के भी पिया जा सकता है। चिकन बीन जिस तरह बनती है, चिकन बीन की तरह भी पिया जा सकता है, और शहद के साथ भी पिया जा सकता है, और गुड़ के साथ भी पिया जा सकता है, और ब्राउन शुगर यानी गुड़ वाली जो शुगर होती है उसके साथ भी पिया जा सकता है। मैंने मेहमानों के लिए एक नई चीज़ है, इसको इंट्रोड्यूस कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ताकि लोगों को इसका पता चले कि इसकी वैल्यू कितनी है। और ये बहुत आसानी से लगता है, मैं एक छोटा सा अपना गमला उठा के लाया हूँ आपको दिखाने के लिए, और आप देख सकते हैं कि ये गमले में कितने ज़्यादा लग जाते हैं, और इसमें इनके ये पौधे बढ़ जाते हैं। आप इसको बड़े गमले में लगा दिए तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। मेरे पास मेरे ख्याल 5-6 तो वो गमले हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा। मैं पौधों का भी शौकीन हूँ, परिंदों का शौकीन हूँ, मेरे पास परिंदे हैं, बहुत है आनंद लगेगा। मैंने उसके लिए पिंजरा बनाया है, और मैं एक चीज़ अभी आपको दिखाता हूँ, बिल्लियों का शौकीन, हमारे घर में बिल्ली अभी मौजूद है, दिखाता हूँ। ये हमारा कोको है, कोको है, इसका नाम कोको है ये, और एक और है बड़ी, ये भाग रहे बिल्ली साहब। ये किकी है, कल ये दरख्तों की छटाई की है, घर के अंदर जो दरख्त लगे, ये दरख्त लगे, इनकी छटाई की है तो ये पत्ता नीचे पड़े। ये किकी है, ये किकी साहब है, बहुत प्यार करती हैं हम लोगों को। अभी तो ये कैमरा देख के भाग रही। उम्मीद है आपको मेरी जूसेस पसंद आए होंगे, उम्मीद है आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और शेयर ज़रूर करिएगा, लोगों को बताइए उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताइएगा। मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ, फ़ी अमान अल्लाह, मेरे लिए दुआ करा करें, दुआ में जा सकें, और लाइक और सब्सक्राइब अगर बनता है तो कर लीजिएगा। दूसरा जो है अभी मामों का भी, उसको भी दिखाऊँ कहाँ गया, बहरहाल हो कहीं गायब। ठीक है, सोने के मूड में भाई, वो देखने के मूड नहीं, सो गई वो अपनी कुर्सी, इनकी स्पेशल है इस, सो ये कुर्सी बहुत पसंद है, इस पर सो गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो बेटे, ठीक है, ठीक है, किक्की यहाँ देखो, यहाँ देखो, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। ये मेरी किक्की है, और छोटा जो है वो अलग घूम रहा है। किक्की को कुर्सी पसंद है, और ये कोको, ये कोको हैं, इनको ये कोना पसंद है, ये यहाँ के बैठ जाते हैं कोको, इनको ये कोना पसंद है, यहाँ यहाँ के बैठ गए। ये नाबियाली देखिए, माशाल्लाह तबारकल्लाह, कोको क्या कर रहे हैं, कोको क्या कर रहा है, कोको क्या कर रहा है ना, क्या कर रहा है कोको, कोको। तो ये इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे, दुआएं दुआ में याद रखिए, और फिर हमारे अल्लाह में आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ, इंशाल्लाह दुआएं ज़रूर किया करें, बाद में मुलाकात होती है।